हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओसीएन जीएस एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं आरओ एआरओ में जितने भी 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं हिंदी के, उन सबको कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2021, 2020 तथा 2016 के जो री एग्जाम हुआ था उसका हमने सारा कवर कर लिया है, हिंदी का प्री का और मेंस का भी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और अपनी एक तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन रहा है 2016 के जितने भी हिंदी में आए हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या है। सुलभ का हमें विपरीत शब्द बताना है। देखिए, अगर आप विलोम शब्द देखेंगे या पर्यायवाची या कोई वर्तनी वाला, तो आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, लेकिन आपको उसमें चूज करना है सेंस कि जो हमें विलोम शब्द बताना है वो किस सेंस में पूछा गया है, वो उस शब्द का सेंस क्या है। जैसे सुलभ है, सुलभ का विपरीत क्या होगा? दुर्लभ होगा। ठीक है, क्या होगा? दुर्लभ होगा। तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो सुलभ का विपरीत शब्द क्या होता है? दुर्लभ होता है। दुष्प्राय, दुष्प्राय का, जिससे दुष्प्राय को अप्राय भी कहते हैं, दुष्प्राय अप्राय का विलोम क्या होता है? प्राय होता है। क्या होता है? प्राप्य, प्राप्य होता है। ठीक है, अप्राप और दुष्प्राप्य ये दोनों सिमिलर ही हैं। अलब्ध का क्या हो जाता है? लब्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? लब्ध हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे, क्योंकि ऑफिशियल पेपर है तो आपको चारों ऑप्शंस को नोट डाउन कर लेना है, जिससे इस क्वेश्चन में आपके चार ऑप्शंस से आपके चार वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन बनते हैं उसके ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिससे आपका क्या होगा, आपका एक नंबर तो सिक्योर हो जाएगा कि आप एक आपका एक नंबर गलत नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करिए, केवल हमको आंसर नहीं बताना है, ऑप्शन से भी हमको और अपनी तैयारी मजबूत करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? दीर्घायु का विलोम होगा। देखो, दीर्घायु का विलोम होगा, दीर्घायु का दूसरे सेंस में बोल सकते हैं चिरायु, मतलब लंबे समय तक जीवन, लंबी जीवन जीने वाला व्यक्ति। चिरायु या दीर्घायु दोनों सिमिलर हैं। तो दीर्घायु का विलोम होगा, ऑप्शन है चिरायु, इसका मतलब तो दोनों सेम सेम है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमसे। अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। तो दीर्घायु का विलोम जैसे आप देख के भी लग रहा होगा, नश्वर और क्षणिक दोनों सिमिलर हैं, इनका विपरीत शब्द क्या होता है? शाश्वत होता है। और दीर्घायु का सेंस में बात करें तो क्या होता है? अल्पायु। दीर्घायु मतलब लंबी जीवन जीने वाला व्यक्ति, और अल्पायु मतलब कम जीवन जीने वाला व्यक्ति, कम समय के लिए जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या होता है? हमारा अल्पायु होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्यष्टि का विपरीतात्मक शब्द मतलब विलोम क्या है? बेसिकली क्या है? विलोम पूछा जा रहा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन प्री में क्या होता है, विलोम 6 हमारे टॉपिक है, सभी से 10-10 क्वेश्चन बनते हैं, तो विलोम से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन रहेंगे, वर्तनी शुद्ध वाक्य अशुद्ध से भी हमारे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, विशेषण विशेष से 10 क्वेश्चन रहते हैं, तथा पर्यायवाची से भी हमारे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 6 टॉपिक है, टॉपिक बहुत कम है, पढ़ेंगे आप तो 58 से 60 बहुत ही आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लगातार प्रैक्टिस हम लोग कराने वाले हैं। अभी हम हमारा टारगेट क्या है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से आपको पैटर्न समझ में आएगा, साथ ही साथ आपको तैयारी किस दिशा में करनी है वो भी आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो अभी हम अपना पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, साथ ही साथ आगे कॉन्सेप्चुअल क्लास भी देंगे आपको, साथ ही साथ टेस्ट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी हमारी ताबड़तोड़ चलने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ओशियन जीएस एकेडमी से। ठीक है, तो अब क्या है, वेस्ट का विपरीतात्मक शब्द क्या है? समास, संवित, समष्टि एंड समस्त। तो वेस्ट का आपको देख के लग रहा होगा इसका विपरीत शब्द क्या होता है? समष्टि होता है। ठीक है, क्या होता है? समष्टि होता है। समास का विलोम शब्द होता है व्यास, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, संवित का विलोम क्या होता है? असंवित, असंवित। ठीक है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ऑफिशियल पेपर है, मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ। ठीक है, बार बार बताने का तात्पर्य क्या है, आपको जागरूक करना, आपको जगाना,
कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है हमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उपमेय का सर्वथा मतलब विपरीत शब्द बताना है आपको। उपमेय ऑप्शन है अनुपमेय, बी ऑप्शन है अतुलनीय, सी ऑप्शन अनुपम, डी ऑप्शन है अनुपमत। तो उपमेय का सर्वथा उपयुक्त तो विपरीत शब्द क्या होता है? अनुपमेय। क्या होता है? अनुपमेय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो देखने से लग रहा था कि इसका आंसर यही होगा। उपमेय का विपरीत क्या होता है? अनुपमेय। ठीक है, अतुलनीय का क्या होगा? अतुलनीय का क्या होगा? तुलनीय। और अनुपम का क्या अर्थ होता है? जिसकी कोई उपमा ना दी जाए। अतुलनीय मान जिसकी किसी से तुलना की ना की जा सके। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये भी काम आ सकता है। अतुलनीय मतलब क्या होता है? जिससे किसी की तुलना ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय बोलते हैं। अनुपम काफी बार शब्द आया हुआ है कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, कि अनुपम का मतलब क्या होता है? अनुपम मतलब होता है जिसकी कोई उपमा ना हो, मतलब जिसकी किसी की उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। ठीक है, अद्वितीय। राइट, चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूगोल का विपरीत शब्द क्या है? ऑप्शन ए इतिहास, अंतरिक्ष, भूगोल एंड खगोल। देखिए भूगोल है ना, भूगोल है ना, तो उसका आपको विपरीत शब्द बताना है। इतिहास तो है नहीं, सब्जेक्ट के सेंस में पूछा ही नहीं जा रहा, सब्जेक्ट के सेंस में पूछा ही नहीं जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भूगोल, अब पृथ्वी, अंतरिक्ष तो है नहीं, तो ये क्या हो, ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुवगोल, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारा? खगोल। तो याद कर लीजिए भूगोल का विपरीत शब्द क्या होता है? खगोल होता है। भूगोल खगोल, भूगोल खगोल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहयोगी का विपरीत शब्द क्या है? सहयोगी का बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ था। सहयोगी क्या होता है? प्रतियोगी होता है। क्या होता है? प्रतियोगी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतियोगी। प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जोड़ का उपयुक्त तो विपरीत शब्द क्या है? गुणा, भाग, बाकी या घटाओ। तो जोड़ का विपरीत शब्द होता है हमारा घटाओ, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि जोड़ का घटाव होता है, गुणा का विपरीत शब्द क्या होता है? भाग होता है। दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। आगे अभी हम लोग डेप्थ में नहीं आपको बता रहे हैं, क्योंकि अपने हमारे आने वाले वीडियोस में आपको हिंदी की बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कराई जाएगी, विद कॉन्सेप्ट, जिससे आप कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि विशेषण विशेष में है उसमें ट्रिक है ना, कि आप कैसे विशेषण विशेष चुटकियों में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ पर्यायवाची के ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे देवताओं के नाम पे ऐसे अनेक शब्द हैं जो, जैसे पार्वती है और शिव का है, शिव भगवान का है, दोनों के बहुत सिमिलर रहते हैं, बस थोड़ा सा अगर उसमें कुछ मात्राएं लगा देने पे वो शिव का पर्यायवाची बन सकता है, कुछ मात्राएं हटा लेने पे पार्वती जी का पर्यायवाची बन सकता है। आगे हम लोग आपको बताएंगे कि कम समय में कितने ज्यादा पर्यायवाची तैयार कर सकते हैं अपने आने वाले वीडियोज में। अभी हम लोग केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। सिंपल सा उद्देश्य है कि आपको उन क्वेश्चंस को दिखाना, कि जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या है? तृष्णा है ना, ऑप्शन है हमारे वी तृष्णा, निष्पह, संतुष्टि एंड वितृप्त। तो तृष्णा का उपयुक्त विपरीत शब्द होता है वितृष्णा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है, संतुष्ट का क्या होगा? असंतुष्ट। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, टेस्ट पे टेस्ट कराएंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हम बात करेंगे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन ना करे। अब देखिएगा टेस्ट में भी इन ऐसे वर्ड्स की भरमार रहेगी, क्योंकि एग्जामिनर जो भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं आपको वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे जिसकी पॉसिबिलिटी आने की ज्यादा है। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको आसान, जो भी आपको मटेरियल दिया जाए उसको आसानी से पढ़ के आराम से रिवीजन करके आप 60 में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये निषिद्ध लिखा हुआ है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन है निश्चित,
विहित, उचित और निर्मित। अभी आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्री में हो, मेंस में हो, है ना। निषिद्ध का क्या होता? विहित होता है, बस ये रट जाइए। निषिद्ध का मतलब होता है विहित, बस। और आपको कुछ नहीं करना क्योंकि बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। निश्चित का क्या होता है? अनिश्चित होता है इसका, निश्चित। निश्चित का अनिश्चित होता है। उचित का क्या होता है? अनुचित। जैसे कोई लगता है उचित बात कहा, फिर कोई कहता नहीं इसने अनुचित बात कही, तो उचित का क्या होता है? अनुचित होता है। निर्मित का अनिर्मित क्या हो जाएगा? अनिर्मित, ठीक है, अनिर्मित। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पोषक। पोषक का विपरीत शब्द क्या है? पोषण, चूषण, अनपोषक, शोषक और छीणकारी। देखिए पोषक, शोषक, जैसे आप पर्याय विलोम शब्द याद करिए ना, तो आप कई बार आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल टंग पे आ जाएगा शोषक पोषक। तो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जैसे ही पोषक देखेंगे, आपकी तुरंत मुंह से निकलेगा इसका क्या होगा? शोषक होगा। शोषक दिया रहेगा तो आपका पोषक निकलेगा। तो आपको अच्छे से ये कब होगा? जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तब। क्योंकि छह ही टॉपिक है, छह टॉपिक है, 60 क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं इससे, तो क्यों ना हम इसी पे मेहनत करें, है ना। अब जीएस का क्या है? फैक्चुअल बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, ठीक है। लेकिन अगर इस पे श्योरिटी नहीं है, लेकिन हमको हिंदी पे तो भरोसा है ना, इससे हमको 10 क्वेश्चन मिल रहे, इससे 10 मिल रहे, क्यों ना इसी को पूरा तैयार करें जिसमें 60 से 60 हमको क्वेश्चन मिल जाए। बाकी जीएस कवर करना ही है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। शोषक का क्या होता है? पोषक। पोषक का क्या होता है? शोषक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि एक वर्ग शुद्ध है। अब देखिए पर्यायवाची, 10 हमने क्वेश्चन विलोम के कराए हैं, अब पर्यायवाची मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे पर्यायवाची 20 25 30 जो लगातार वही चक्र घूमता रहता है सारे एग्जाम में, आरओ में, है ना, वो मेंस में हो, प्री में हो, सभी में वैसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि सिंह का हो गया, बाघ का हो गया, है ना, देवी देवताओं के हो गया, नदी का हो गया, यमुना का, गंगा का, ये सब बहुत बेसिक है। अगर आप इन्हें इस पे तैयार कर लिया तो काफी क्वेश्चन आपको पर्यायवाची से 80% क्वेश्चन आपके हो जाने हैं। देख लेते हैं पर्यायवाची की दृष्टि एक वर्ग शुद्ध है, जैसे सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ठीक है, आपको शुद्ध बताना है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। तरड़ी मतलब नदी होता है। देखिए तरड़ी नौका का पर्यायवाची है ना, नौका का पर्यायवाची है। ये सारे क्या है? सूर्य का है, तो इसमें एक गलत दे दिया। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, ठीक है, अग्नि आग का है ना, लेकिन लेकिन क्या है, ये भी तो पुष्ण भी तो होता है अग्नि का, ये भी राइट आंसर है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, ये भी गलत है, इसमें एक तो सही आंसर क्या है, लेकिन माना है आयोग ने यही, है ना, ठीक है, क्या माना है? ए ही माना है। तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारा? ए पार। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का पर्यायवाची पाहन होता है, उपल होता है, प्रस्तर, जैसे प्रस्तर काल, है ना, ये सब क्या है? हमारे पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो पूछा गया पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, राइट। तो ऑप्शन क्या है? प्रस्तर है, उपल है, पाहन है, पशम है ना। तो पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो पशम किसका होता है? पसम किसका है? ये गलत है। पत्थर के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल लिख लीजिए, प्रास्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अश्म, शिला, ये सब क्या है? पत्थर के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? पत्थर के पर्यायवाची। अगर आपको नोट डाउन करना है, पत्थर लिखिए, सारे जितने भी हैं क्या है, अश्म है, शिला, है ना, सारे लिख लीजिए। बार बार 3 4 बार नोट डाउन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पाहन हो गया हमारा, पाषाण हो गया, राइट। और क्या है? उत्पल है, और कौन सा है? प्रास्तर है, ठीक है। आपको एक ही इसमें इतने सारे मिल गए पत्थर के, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, राइट। तो नोट डाउन करते चलिए और लिखते चलिए कि किस किस का पर्यायवाची पूछा, और बिल्कुल रट जाइए। अश्म, शिला, पाहन, पाषाण, उत्पल, प्रास्तर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखिए यमुना का पर्यायवाची फिर आ गया। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं पूछा है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है पर्यायवाची है, फिर ऑप्शन
फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है, तीन ऑप्शन पर्यायवाची के होते हैं, एक उसमें से अलग होता है वो बताना होता है। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन है रविजा, बी ऑप्शन है तनुजा, सी ऑप्शन है सूर्यजा एंड डी ऑप्शन अर्कजा। जो हमारे रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सब क्या है, ये यमुना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तनुजा ये पुत्री का होता है, क्या होता है, पुत्री का होता है, यह किसका होता है, पुत्री का, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, कि तनुजा किसका होता है, पुत्री का होता है। तो ये रॉन्ग होगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द संकर का पर्यायवाची नहीं है, संकर मतलब भोले बाबा, संकर का पर्यायवाची नहीं है। देखो जैसे त्रिलोचन, तीन आंखों वाले, अब इनका अनेक शब्दों में एक शब्द का भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। त्रिलोचन मतलब अनेक, तीन आंखों वाले को क्या बोला जाए, त्रिलोचन, त्रिलोचन किसका है, भगवान शिव का, त्रिलोचन भी सही है ना, पर्यायवाची नहीं है। गंगाधर मतलब जिनकी जटाओं में गंगा विराजती है उनको क्या बोला था, गंगाधर, गंगाधर मतलब शंकर भगवान। ललाट आच, ललाट मतलब माथे, माथे पे उनके क्या है, ललाट आच मतलब आंखें हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है शिव। लेकिन ससधर क्या है, ससधर ये चंद्रमा का होता है, क्या होता है, चंद्रमा का, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगी, ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, ससधर भोले बाबा का नहीं है, भोले शंकर का नहीं है, ठीक है। बाकी सारे हैं, ललाटाच, गंगाधर, त्रिलोचन, बाकी और भी देख लीजिएगा, महेश है, शिव है, महादेव है, ये सब सारे किसके हैं, ये सारे हमारे शंकर जी के हैं। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का, आम हो गया है ना, आम भगवान के इंपॉर्टेंट है, आम, पानी, कमल, नौका और यमुना, गंगा, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह का हो गया, भंवरे का हो गया, लगातार इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको बिल्कुल रट जाने हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आम का हो गया है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है आम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, ऑप्शन है अति सौरभ, सहकार, अंबू, रसाल। अति सौरभ हो, सहकार हो, रसाल हो, ये सारे किसके हैं, आम के हैं, लेकिन अंबू किसका है, अंबू किसका है, जल का है, किसका है, जल का है, तो अंबू किसका है, ये जल का है, ठीक है, इसका है जल का है। तो पूछा है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक विष्णु का, देखिए दो देवी जी का आ गया, एक शंकर भगवान का पूछा गया, विष्णु का पूछा गया, और नदियों में यमुना नदी का पूछा गया, नौका का पूछा गया, राइट। तो अब पूछा गया है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमला आसन। देखो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है ना, कमलेश विष्णु भगवान का होता है, कमलापति मतलब कमला किसका होता है, लक्ष्मी जी का, तो लक्ष्मी के पति कमलापति, कमलाकांत, कमला कांत मतलब भी पति होता है, कमला लक्ष्मी जी का नाम है, कांत मतलब पति, तो कमल लक्ष्मी के पति मतलब कमलाकांत, ये भी राइट आंसर है। लेकिन कमलासन, कमल किसका आसन रहता है, ब्रह्मा जी का, तो लग रहा है हमको चारों ऑप्शन सेम सेम, लेकिन कमलासन किसका होता है, ब्रह्मा जी का होता है, चूंकि पूछा गया विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राइट, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जैसे हेम हो गया, हाटक हो गया, कलधौत हो गया, ये सारे क्या है, पर्यायवाची हैं स्वर्ण के, लेकिन हृदय क्या है, हृदय पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, जैसे कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रस है ना, जात रूप, ये सारे लिख लीजिएगा, एक ही जगह आपको इतने सारे मिल गए क्वेश्चन, इर्द गिर्द इसी के घूमेगा है ना, तो आपका अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हृदय नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है ना, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है,
ऑप्शन बताते हैं आपको। ऑप्शन है इंद्र, 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 रतीश, सहस्त्राच, मघवा। बी ऑप्शन है घर, निकेतन, आयतन, निलय, है ना। आपको बताना है हर ऑप्शन में एक ही चीज से रिलेटेड है, मतलब एक चीज का सारा पर्यायवाची है, इसमें से कोई अलग पर्यायवाची नहीं होगा अलग चीज का। तो जैसे इंद्र है, रतीश है, सहचात, सहस्त्राच है, मघवा है, ठीक है। देखिए इंद्र और ये माधवा और सहस्त्राज, ये किसके पर्यायवाची है? इंद्र के हैं, इंद्र के हैं। लेकिन रतीस ये किसका है? रतीस कामदेव का है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रतीस, अब एक बात याद रख लीजिए कि रतीस किसका है? कामदेव का है। रति, रतीस, ये सब किसका है? कामदेव का है। ये आपका एक पर्यायवाची मिल गया। घर, निकेत, आयतन, निलय, ये बिल्कुल राइट है, ये घर के ही पर्यायवाची सारे हैं। यमुना, कलंदिनी, भानुतन्या, ठीक है, भानुतन्या, और क्या दिया गया है? और है हमारी जाह्नवी। जाह्नवी ये क्या है? गंगा का है, ठीक है, किसका है? गंगा का है, तो इसीलिए रॉन्ग हो जाता। बाकी क्या है? यमुना जी के हैं। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, ठीक है, क्या है? पाटक किनारे का होता है, किसका होता है? किनारा का, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अंबर, चीर, वस्त्र, ये सिमिलर है सबका, सारे पर्यायवाची है, लेकिन पाटक किसका है? किनारे का है, इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। रतीस किसका है? कामदेव का है। बाकी किसके हैं? इंद्र के हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। इंद्र किसका है? इंद्र, सहस्राच और मघवा, ये सारे इंद्र के हैं। रतीस किसका है? कामदेव का है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, सारे पर्यायवाची सही है, घर, निकेतन, आयतन और निलय। साथ ही साथ यमुना, कलिंदिनी, भानुतनया, ये सारे किसके हैं? यमुना नदी के हैं। बाकी जाह्नवी किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। वस्त्र, अंबर, चीर, ये सारे वस्त्र के पर्यायवाची है। पाटक किसका है? किनारे का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अगर आपको सही से नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आपको नहीं आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची, इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, क्योंकि इंद्र और कामदेव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार क्वेश्चन बनते हैं ना। यमुना, गंगा हो गई, सारे भगवान के नाम हो गए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, है ना, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जलाधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप, जलाधिप, ठीक है। तो जलाधि, जलधाम, जलनिधि और सागर, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। जबकि जलाधि वैदिक देवता वरुण का है, किसका है? वरुण देवता का नाम है, तो इसीलिए ये पर्यायवाची नहीं है समुद्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, जलाधि किसका है? ये वरुण का है, ये वैदिक देवता वरुण का ये पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है निम्नगा, तिपथगा, पुलंकशा, कुलवती। तो जो कि पूछा गया नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिपथगा। क्या हो जाएगा? तिपथगा। तिपथगा किसका है? गंगा नदी का है। देखिए नदी पूछा गया है, अब ये मत बोलिएगा कि नदी गंगा नदी होता है, ऐसा नहीं होता पर्यायवाची में। नदी का नदी ही पर्यायवाची होगा, गंगा का है तो गंगा नदी के सारे पर्यायवाची, यमुना का पूछा गया है तो यमुना नदी के सारे पर्यायवाची। अब ऐसा नहीं है कि नदी तो गंगा नदी भी है, ये गंगा नदी का है तो ये भी नदी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिपथगा किसका होता है? गंगा का होता है। एक और पर्यायवाची आपको मिल गया गंगा नदी का, राइट। जाह्नवी, त्रिपथगा, ये सब किसके हैं? गंगा नदी के हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं वाक्य, वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। पहला है एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है हमारे खिवैया, बी ऑप्शन है न्यौछावर, सी ऑप्शन है अनानास एंड डी ऑप्शन है रुपेच। तो एक की वर्तनी शुद्ध बताया गया है, जैसे कि ऑप्शन क्या दिया गया है हमारा? सी ऑप्शन अनानास, ठीक है। खिवैया को कैसे लिखे? खेवाया। क्या लिखा जाता है? खेवाया, खेवाया, राइट। और किसका है? न्यौछावर।
न्यो, इसमें क्या छतरी वाला छा है? न्यो छावर। यहाँ पे दो मात्रा लगेगी क्या? एक मात्रा लगेगी। और निरपेक्ष का तो आप लोग जानते ही होंगे, निरपेक्ष सापेक्ष निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है, राइट? आगे हम सब कुछ आपको बताएंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है, खट दर्शन, अनापेक्षित, तिलिस्ट एंड पर्यावसान। ठीक है, क्या होता है? पर्यावसान। तो आपको बताना है, एक की शुद्ध वर्तनी है तो पर्यावसान एक राइट इसकी वर्तनी है। अब देख लेते हैं खट दर्शन कैसे लिखा जाता है। खट दर्शन लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, खट दर्शन इसको ऐसे लिखेंगे। टा के जगह पे क्या होगा? डा से डलिया होगा। अनापेक्षित का क्या होगा? अनपेक्षित, राइट। क्लिस्ट का क्या होगा? क्लिस्ट। आपको जब हम टेस्ट सॉल्व कराएंगे, जब रिवीजन कराएंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए कि क्लिस्ट कैसे लिखा जाता है, पर्यावसन कैसे लिखा जाता है, राइट। तो आगे हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, अनापेक्षित की वर्तनी कैसी होती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तैयारी भी आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, एक की वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या उन्नयन। जैसे कि उन्नयन हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? दो बार आधा ना, है ना, या फिर ना। तो अब ऐसा किसमें दिया गया है? बी ऑप्शन, राइट। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो अभी लिख लीजिए कि उन्नयन कैसे लिखा जाता है। एक आधा ना, एक पूरा ना, या और ना, ये होता है हमारा उन्नयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक की वर्तनी शुद्ध है, अविष्कार, देवऋषि, निःशब्द, जामाता। वर्तनी शुद्ध बताना, देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा? आ सही है, अविष्कार। देवऋषि कैसे लिखा जाता है? इसमें एक ही मात्रा होता है, देवऋषि ऐसे। और क्या है? निःशब्द। निःशब्द को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखते चलिएगा ना, जिससे आपको एक अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी, लास्ट में आपको रिवीजन करने में बहुत सहूलियत रहेगी। नोट्स क्यों बनाए जाते हैं? लास्ट टाइम जब बिल्कुल समय नहीं बचता, दिल में धक धक होने लगता है ना कि बहुत पढ़ना है, कुछ तैयार नहीं है, तो उस समय ये हमारे नोट्स काम आते हैं। तो अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे तो लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लेंगे। तो 27 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, अविष्कार वर्तनी शुद्ध है, बाकी क्या अशुद्ध है, उसके सामने मैंने शुद्ध शब्द भी लिख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। चित्त का है, मतलब चित्त को आकर्षण लगता है, चित्ताकर्षण होता है। बी है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। बी ऑप्शन है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। डी है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे आप देख पा रहे हैं क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। देखिए इसमें एक पेज है, सारी अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे ना, जैसे कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, सद्भाव में ही अच्छा छुपा हुआ है, तो हमें दो बार अच्छा लिखने की क्या जरूरत है? तो ये हमने पकड़ लिया, इसके कारण से ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है अधिकांश। अधिकांश मतलब से तात्पर्य क्या है? बहुत में से इतने अंश, अधिकांश। तो अधिकांश का ही पर्यायवाची भाग है, दोनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते आप ना, दोनों शब्दों का, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। अब स्पष्टीकरण मतलब, स्पष्टीकरण का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट करना इसको बोला जाता है, स्पष्टीकरण। साथ ही ने लिख दिया कि स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, होना क्या चाहिए? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। तो दोनों क्या है? सही गलत है, बाकी हमारा ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कोमल अंगनी, निरोग, अछौड़ी। ठीक है, तो इसकी वर्तनी शुद्ध है अछौड़ी की। किसकी? अछौड़ी। कोमल अंगनी का क्या होता है? कोमलांगी।
बिल्कुल लिख लीजिएगा, आगे आपके काम आएगा। निरोग का क्या होता है? निरोग का क्या होता है? निरोग, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं निरोग को ऐसे लिखा जाता है ना, लेकिन सही वर्तनी क्या है? निरोग। राजमहल का क्या होता है? राजमहल, ठीक है, राजमहल। तो निरोग ऐसे लिखा जाता है, राजमहल इसकी वर्तनी ऐसे है, कोमल अंगनी की, कोमल अंगनी, कोमलांगी, है ना, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चार आपको वर्तनी शुद्ध में मिल गए हैं ना, क्योंकि आयोग का क्वेश्चन है। फिर मैं वही बात बोलूंगी, आयोग का क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये सारे शब्दों को आप देख लीजिएगा, इसका सही रूप क्या होगा, इसका सही वर्तनी क्या होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। ए है, ये तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी है, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी है, रामचरित मानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो एक वाक्य शुद्ध बताना है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। क्या है? अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अब देखो फिर वही एरर है, पदार्पण मतलब, पदार्पण मतलब उनके पद पढ़ते ही, तो ये इसमें होते ही तो बिल्कुल गलत ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन, शब्दों का रिपीटेशन, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? असंख्य जनसमूह, जनसमूह में ही निहित है असंख्य होंगे, है ना, असंख्य बहुत सारे, या असंख्य दोनों का बात एक ही है, तो इसीलिए दो दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए गलत हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है? सुंदरतम मतलब बहुत सुंदर को सबसे क्या बोलते हैं, इसका हाईएस्ट है सुंदरतम। अब उसके आगे सबसे लगाने के क्या, देखिए को दो क्वेश्चन मिले हैं आपको एक ही क्वेश्चन पेपर से, सेम लॉजिक से है कि सबसे सुंदरतम मतलब सुंदरतम में ही निहित है कि वो सबसे सुंदर है, फिर भी उसके आगे क्या दे दिया गया, सुंदर सबसे, इसीलिए ये गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वाक्य शुद्ध है, खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। बी ऑप्शन है, निर अपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सी ऑप्शन है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। डी है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए, तो ये तो हमारा क्या लग रहा है, सही लग रहा है, तो आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते क्यों गलत है ये, ठीक है, क्या है क्यों गलत है? उपादान का मतलब क्या होता है? उपादान का मतलब है कि व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है, ठीक है, व्यवहार में आने वाली सामग्री से है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही, निरपराधी की जगह क्या होगा? जैसे मैंने कल की भी अपनी वीडियो बनाया था, बताया था, निर निर क्या होता है? निर अपराध होता है। क्या होता है? निर अपराध होता है। क्या होता है? निर अपराध होता है। इसका सही क्या हो जाएगा हमारा? निर अपराध, तो राइट आंसर। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? निर अपराध होना चाहिए। उपादान का प्रयोग अशुद्ध है, उपादान व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के प्रयोग से किया जाता है, तो वहां पे ये गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए श्रीमती रेड्डी जिस तरह की नृत्यांगना है, ठीक है, अब देखिए वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए नृत्यांगना यूज किया जाता है, बिल्कुल आसान सा आपको लग रहा होगा, है ना, नृत्यांगना, पति भी उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है, तो मेल के लिए क्या यूज किया जाता है? नर्तक। क्या होता है? नर्तक। अगर यहाँ पे नर्तक होता तो सही होता, लेकिन नृत्यांगना किसके लिए? वुमेन्स के लिए यूज होता है, इसीलिए ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ठीक है। बी, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। सी, गांधी जी चरखा चलाते हैं। डी,
एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। देखो 3 क्वेश्चन ऐसे मिले सिमिलर, जिसमें क्या है, रिपीटेशन एरर है, मतलब शब्दों का रिपीट होना, इससे एरर है। देखिए 3 क्वेश्चन मिले एक ही क्वेश्चन पेपर में, है ना। क्या है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। क्या होता है, निर्दय। क्या होता है, निर्दय, याद रख लीजिए, निर्दयी नहीं होता, लेकिन जनरली हम बोलचाल में, भाषा में क्या प्रयोग करते हैं, निर्दयी व्यक्ति है, बहुत निर्दयी व्यक्ति है, या बहुत निर्दयी महिला है। निर्दय होता है, क्या होता है, जिसके हृदय में दिल ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो, उसे क्या बोलते हैं, निर्दय। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको मिल गया, जिसके दिल में दया ना हो उसे क्या बोलते हैं, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय बोलते हैं। तो निर्दय होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, निर्दयी है। एकत्रित भीड़ जय जयकार।